सुबह सुबह की भागदौड़ में हम क्या बनाएं ब्रेकफास्ट में समझ नहीं आता। तो आज मैं एक रेसिपी लाई हूँ जो कि आप झटपट बना पाएंगे कुकर में सिर्फ 15 से 20 मिनट में। यह है सेवई या उपमा। नमस्कार, भूमिज किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए इसका इंग्रेडिएंट देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेवियाँ लिया है 1 बाउल, और यहाँ पे मैंने बहुत सारा सब्जियाँ लिया है जैसे कि फूलगोभी, गाजर, कैप्सिकम, हरी मटर के दाने। इसके अलावा आप इसमें आलू और स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। इसमें 2 हरी मिर्च भी मैंने काट के ले लिया है। अभी 1 प्याज कटा हुआ, और यहाँ पे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई के दाने। इसके अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में इसमें डाला जाता है। तो अभी हम एक कुकर को गर्म कर लेंगे और इसमें हम तेल डालेंगे। 1 चम्मच मैंने तेल ऑलरेडी डाल दिया है, और इसमें 2 से 3 चम्मच मूंगफली को भून लेंगे। तेल के जगह पर आपको अगर बटर पसंद है तो इसमें बटर डाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मूंगफली को ऐसे निकाल लेंगे। अभी उसी कुकर में हम सेवैया को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको हम रोस्ट करेंगे। तो एक बार आपको प्रिपरेशन कर लेंगे तो पकने के लिए बहुत कम टाइम ही लगता है आपको, सिर्फ पकने के लिए 5 मिनट ही लगता है। और ये देखिए अभी सेवैया जो है भून गया है, और इसको मैं अलग से निकाल लिया है। अभी इसी कुकर में हम 1 चम्मच फिर से तेल डालूंगी मैं। अभी तेल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे राई और जीरा। तो इन दोनों को थोड़ा सा चटकने देंगे। तो आपको प्रिपरेशन जो है सब्जियां धो के काटने के लिए आपको लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएगा, और पकने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगता है। तो लगभग आपको टोटल टाइम जो है 20 मिनट ही लगेगा। अभी जितना भी सब्जी कटी हुई थी इसको हम इसमें डाल देंगे कुकर में, और थोड़ी देर के लिए गलने तक पकाएंगे। इसमें प्याज भी अभी डाल दीजिए। प्याज मैंने पहले से नहीं डाली हूँ, क्योंकि राई और जीरा जो है, राई जीरा डालने के बाद अगर प्याज डालेंगे तो ज़्यादा भून जाएगा हमारा राई और जीरा, और थोड़ा जला हुआ टेस्ट आएगा इसमें, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। इसमें हम डालेंगे नमक 1 चम्मच, और इसको थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने तक छोड़ेंगे। प्याज को चाहे आप पहले डालें या बाद में डालें, सब्जियां हमारा पकनी चाहिए तो टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ऊपर से मैंने ढक्कन रख दिया था 1 मिनट के लिए। अभी सब्जियां जो है थोड़ा सा गल चुकी है, इसमें मैं इस समय आपको डालना है हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। अभी हमारा जो भुनी हुई सेवैया था अभी मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर ले। पानी जो है आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट में लेना है। जिस बाउल में आपने सेवैया लिया है उसी बाउल में आपको 1.5 गुना पानी लेना है। अब जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं उसी मेजरमेंट से आप पानी भी लीजिए। तो अभी 1.5 गुना पानी लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नूडल्स मसाला। नूडल्स मसाला आपके पास अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्राइड राइस मसाला है तो इसका भी ले सकते हैं आप। तो अभी इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो नूडल्स मसाला से जो है अच्छे से और थोड़ा फ्लेवर बढ़ जाता है, और बग़ैर नूडल्स मसाला का भी बहुत अच्छी टेस्ट आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो डालें या ना डालें। तो अभी 1 सीटी दे देंगे, और सीटी को जो है तुरंत ना खोले, थोड़ी देर ठंडा होने के बाद 5 मिनट के बाद ठंडा होने के बाद अपने आप सीटी निकलने दें, उसका गैस निकलने दीजिए, उसके बाद खोल के देखिए। तो अभी देखिए हमारा जो सेवैया नूडल्स है ये पक के रेडी हो गया है, और ये अभी गर्म है इसीलिए थोड़ा चिपचिपा लग रहा है। थोड़ा ठंडा होने के बाद एकदम खिली खिली बन जाती है। तो लगभग 5 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत सारा सब्जियां के साथ ये वाला जो
ब्रेकफास्ट है बहुत हेल्दी होता है खाने के लिए। ऊपर से हमारा जो भुना हुआ मूंगफली था इसको डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ता के साथ इसको गार्निश करेंगे। बहुत जल्दी टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है, आप ज़रूर बना के देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।